दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम जा रहे हैं भंडारा महाराष्ट्र राजनांदगांव से, और ये जो रोड है नागपुर रायपुर रोड है, बहुत ही शानदार सड़क है। जब से नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री बने हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने सड़कों को बहुत ही अच्छा कर दिया है और लगातार नए नए सड़क बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे जिस सड़क पर हम जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे फ्लाईओवर अभी बन चुके हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं, वो भी लगभग 1 से 2 साल के भीतर बन जाएंगे। देखिए ये जो है साकोली का फ्लाईओवर है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही अच्छा लगता है जब भी इस फ्लाईओवर से गुजरते हैं। तो अभी अभी इसकी ओपनिंग हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मई में हुआ है जहाँ तक, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और ऐसी सड़कों पर कार चलाने का अपना अलग ही मज़ा आता है। तो दोस्तों देखिए फ्लाईओवर को। तो फ्लाईओवर एंड हो चुकी है, अब देखिए सड़क आपने देखा होगा कितना सुंदर है, कोई गड्ढा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही चिकनी है सड़क। फ्लाईओवर भी जो बना है वो 6 लेन बना है सड़क, तो बहुत अच्छे सड़कें बन रही हैं लगातार। और गडकरी जी बहुत सड़कों के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखिए अब सामने आपको लाखनी का फ्लाईओवर दिखाई दे रहा होगा, ये भी बहुत ही लंबा है, बहुत सुंदर है। तो देखिए लाखनी फ्लाईओवर को। तो लाखनी फ्लाईओवर भी एंड हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं भंडारा की ओर। तो सड़कें आप देख चुके हैं बहुत ही सुंदर है, देखिए कितने मनोरम दृश्य है, लगातार बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य सामने आ रहे हैं। और सड़क तो बहुत ही अच्छे हैं और ये नितिन गडकरी जी का योगदान है, जब से मंत्री बने और बहुत ही एक्टिव मंत्री हैं। बहुत सारे बीजेपी में मंत्री हैं लेकिन उनमें सबसे एक्टिव ये देखिए, लगातार सड़कों के चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गडकरी जी, बहुत ही एक्टिव हैं। बाकी जो मंत्री हैं वो तो सिर्फ बोल बचन ही करते हैं, काम नहीं करते, चाहे कोई भी मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो सब काम पर, इनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो अपने पद के अनुरूप काम करे, और बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और 2 साल में तो मुझे लगता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल जो है बहुत बेहतरीन ढंग से बिछा देंगे और बहुत सुंदर कर देंगे। गडकरी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये देखिए भंडारा का टोल प्लाजा आ चुका है और ये फास्टैग वाला भी जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से काम बन जाता है, बहुत देर तक अब टोल में खड़े नहीं रहना पड़ता है, तुरंत हो जाता है। ये देखिए हो गया, अब आगे हम चलेंगे, कुछ सेकेंड ही लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, तो ये पूरा परिवहन के क्षेत्र में बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जब भी चर्चा होगी इनका नाम ज़रूर आएगा। तो देख सकते हैं अब हम भंडारा के जो कारधा ब्रिज है
उससे गुजर रहे हैं। और ये देखिए वैनगंगा नदी पूरी लबालब भरी हुई है इस समय, तो जिधर भी जाएं जिस भी नदी के आसपास से गुजरोगे आपको भरी हुई दिखाई देगी। इस बार पानी बहुत, बरसात जो हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है, लबालब हर जगह नदियाँ नाले सब उफान पर हैं, सब भरे हुए हैं, कई जगह तो बाढ़ की स्थिति भी निर्मित हुई है। तो ये हाल है, आप लोग देख सकते हैं इधर भी पूरा लबालब, ये देखिए इस साइड भी, तो स्थिति ऐसी है। तो दोस्तों अब हम तो लगभग पहुंच ही चुके हैं भंडारा। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और नितिन गडकरी जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इस समय वो देश के सबसे सही नेता हैं, उनको जो विभाग मिला है जो काम मिला है उनको बहुत ही निष्ठा के साथ कर रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं, बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। तो उन्हें देश के प्रमुख पद पर आप देखते हैं कि नहीं, क्या चाहते हैं भविष्य में उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो चाहता हूं कि इसी तरह का एक्टिव व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, जो बातें कम करे और कार्य ज़्यादा करे। तो दोस्तों ये तो मेरे विचार थे, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।